आज ये विजेंद्र जी के समर्थन में जनसभा का कार्यक्रम रखा गया था और सारे कार्यकर्ताओं का जिले भर से दबाव था, पुराने जो भी जुड़े हुए थे, कि समर्थन देने की बजाय आप निर्दलीय जिला परिषद जीते हुए हो। सब कार्यकर्ताओं की इच्छा से आज मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ हूं, तो ये सब जिले के कार्यकर्ताओं की, तमाम कार्यकर्ताओं की इच्छा थी, क्योंकि मैंने जिन जिन पार्टियों के साथ काम किया उन सारी पार्टियों का गठबंधन कांग्रेस आज कांग्रेस के साथ है। तो सब कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि भाई वोट जब कांग्रेस को देने हैं तो आप इसमें ही शामिल हो जाओ, ताकि अलग से चक्कर काट के फिर वापस आना यही है। तो सबकी इच्छा थी और उनका दबाव था और उन्होंने मेरे को निर्दलीय जिताया, तो उनकी बात को मानते हुए मैंने आज कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी आज? ओपीसीएल? बिल्कुल, मैं आरएलपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र फौजी। ठीक है, आज हमारे जो ये गठबंधन है कांग्रेस का और आरएलपी का, इंडिया गठबंधन में, इसलिए आज पूरी आरएलपी पार्टी ने और कांग्रेस को समर्थन किया है। और हम जो पूरी जो टीम है झुंझुनू जिले की, जितने भी हैं वो सारे के सारे, जो जितने पदाधिकारी जितने कार्यकर्ता हैं, वो सब के सब कांग्रेस के साथ हैं धनमंत्र से, और विजेंद्र जीवड़ा को जिताएंगे चुनाव में। आचरण के माध्यम से जनता ने कुछ कहना चाहोगे? थे जनता को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज अगर शीश राम जी हैं, उन शीश राम जी के एक बहुत बड़ा उनका इस झुंझुनू जिले में योगदान है कि आज अपने पास के जिले देखो, चूरू जिला देख लो, सीकर जिला देख लो, वहाँ गेंगवार है। शीश राम जी ने विकास तो किसी ने कोई नेता कम कर लेता, कोई ज्यादा कर लेता, वो तो अलग बात है, लेकिन इन जिलों में आज भी गेंगवार है। लेकिन झुंझुनू जिले में आज झुंझुनू जिले की जो गांव का औरत है वो 1.5 किलोमीटर दूर खेत में बस के और अपने पति को 3 साल के लिए इराक भेज सकती, उसको डर नहीं है, क्योंकि शीश राम जी ओड़ा ने जो इनके पिताजी थे उन्होंने कभी भी ऐसी असामाजिक तत्व बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को सह नहीं दी, इसलिए आज भी झुंझुनू में गेंगवार नहीं है, ये देन शीश राम जी ओड़ा की है। तो अभी थोड़े हमारे लोग कहते हैं कि भाई नानी के गेल दो ही चल जा, तो बाप के गेल बेटो जाई है, तो मैं ऐसा हूँ कि विजेंद्र जी ओड़ा अगर इजा का एमपी बने हैं तो शायद शीश राम जी को परी पार्टी ने बरकरार रखना, इजा गुंडा राज कुनपन पर हो, इजा बदमाशा को राज को नहीं हो, या मेरी मतलब इच्छा भी है और मानू भी हूँ कि विजेंद्र जी इस टाइप का, क्योंकि वह विधायकाल बहुत 3 बार को देख लियो कि वह गुंडा और असामाजिक तत्व कदे ही मोबिलाइज कौन करें, इसलिए इन नीति के कारण आज मन खुशी भी है कि हमारी पार्टी एक साफ छवि के नेता ने समर्थन करने के लिए आया हूँ इसके साथ। यह सबसे निवेदन है कि थोड़ा साइड हो गए, पानी भी नहीं पी के आए हम सीधा यही आए। बिल्कुल हमारे साथ था, ये शहर में ये रुका नहीं, शहर की मीटिंग थी वो जो खत्म हुई तो मैं आपके बीच आया, अपन मिलते रहेंगे, आप सबका स्वागत है। और आपने जो समर्थन दिखाया है हमारे इंडिया के, उसके लिए आपके आभार हैं, चाहे वो धनिश हो और चाहे दूसरे हमारे घटक हो, उसके वो घटक हैं, वो तो हमारे घटक हैं ही आपस में, और आप लोगों ने जो दिखाया समर्थन उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आप सबका मान सम्मान कायम रखेंगे और जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको परास्त करेंगे। आप सब लोग जुट जाएं, फिर किसी दिन जहाँ भी आपका काम है वहाँ आएंगे, मिलेंगे, झुंझुनू आओ तो यहाँ मिलेंगे। अब आप कल से सुबह से काम पर लग जाओ, और पंकज हमारे सम्माननीय पंकज जी को हमारे कांग्रेस परिवार में स्वागत है, बहुत बहुत अब वो कल मीटिंग है इसलिए मेरे को खेतड़ी जाना पड़ेगा अभी, तो आप लोग अपने अपने वोट से संभाल लो। आपके बीच में आने में मुझे विलंब हुआ पर वो मेरे बस की बात नहीं थी, मैं माफी चाहता हूँ।